अस्सलामुअलैकुम माई किचन क्वींस, क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद है सब खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल। जी ये लास्ट संडे का व्लॉग है और हम गए हुए थे रावलपिंडी, और ये है मेरी फुफ्फो का घर और ये है उनका किचन जो कि आज मैं आपसे शेयर करूँगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। किचन एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे लेडीज़ का मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो गुजरता है, और किचन जब साफ़ सुथरा हो, छोटा भी किचन हो लेकिन साफ़ सुथरा हो, अच्छे तरीके से मैनेजफुल तरीके से चीज़ें रखी हों तो बहुत ही अच्छा तासुर पेश करता है और बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं। बहरहाल शेल्फ़ में आपको पपी भी नज़र आ रहा होगा, माजरत के साथ ये बच्चों ने ज़िद की थी कि हमने इसको इस यहाँ पर डिस्प्ले करना है, तो मैंने इसको पूरी कोशिश किया हाइड करने की, तो आप प्लीज़ इसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो ये साइड पर आपको नज़र आ रहा है, मैंने बालकनी में चीज़ें वगैरह जो हैं वो सेट करके रख दी थी, और कुछ कप्स वगैरह थे और कुछ उसके ऊपर डेकोरेशन पीसेस वगैरह रख दिए थे। और ये है किचन की विंडो, और बहुत अच्छा क्रॉसिंग एरिया है, हवा का गुज़र होता है इसमें, पूरे घर को हवा जाती है। और पीछे एक गमला रखा हुआ है, पौधा लगाया हुआ है बहुत ही ज़बरदस्त। और ये है हमने मनी प्लांट जो है वो इधर डेकोरेट कर दी है। दरमियान में एक छोटा सा क्लॉक जो है वो मेरे बेटे ने सेट कर दिया था। इसके अलावा ये रेड एंड वाइट का कम्बिनेशन है पूरा किचन। जो ऊपर वाला फ्लोर है पुप्पो का वो पूरा वाइट है, वाइट किचन है। तो बहरहाल ये सर्दियों में भी बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं क्योंकि इनका जो टाइल्स हैं किचन की वो कॉफ़ी बीन्स का जो है एक मंज़र पेश कर रही हैं, और साथ में कप्स वगैरह हैं पिक्चर्स। बहरहाल आते हैं वीडियो की तरफ। नाइफ स्टैंड रखा हुआ है और साथ में बाउल्स वगैरह हैं और कप्स वगैरह हैं, वो भी बिल्कुल मैचिंग ही लग रहे हैं बैक स्टेज पर। और ये देखें कॉर्नर्स पे वुड स्टैंड है और चम्मच वाला स्टैंड है, और कुछ बर्तन वगैरह जो हैं वो ऊपर डिस्प्ले किए हुए हैं। यानी कि कोई भी आपको जगह ऐसी नज़र नहीं आएगी कि जो रश या कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही है। मतलब ये है कि छोटे से किचन को भी अच्छे तरीके से डेकोरेट करके रखना, और किचन खुला हो या बड़ा हो या छोटा हो, अच्छे तरीके से उसको किया हो डेकोरेट और सेट किया हो, तो ऑर्गेनाइज़ किया हो चीज़ों के साथ, तो बहुत अच्छा तासुर पेश करती हैं। ओवन के ऊपर जो है वो जगह थी, और उन्होंने सैंडविच मेकर और ब्लेंडर है, और साथ में कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो हैं बॉक्स वगैरह में रखी हुई हैं, और बच्चों के लिए खाने के लिए किचन बिल्कुल रेडी है दोपहर के खाने के लिए। बहरहाल बर्तन वगैरह वॉश करके और क्लीनिंग वगैरह करके हम बिल्कुल फ्री हो चुके हुए थे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने अपने किचन को किस तरह सेट करके रखा हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, ये किचन पसंद आए, तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा किचन के बाहर की तरफ ये रखा हुआ है डीप फ्रीज़र छोटा सा, और उसके ऊपर एक बहुत कलरफुल सा जो मैट है वो भी छाया हुआ है। ये देखिए मैं आपको ओवरऑल ये सारा व्यू इसका दिखाती हूँ। ज़रूर बताइएगा मुझे, और एक लाइक भी दीजिएगा और अच्छा सा कमेंट बॉक्स करके, और फिर बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा ज़रूर, ठीक है, क्योंकि ताकि आने वाली वीडियोस आपको जल्दी और टाइम पे मिल सकें। ये साइड पे आपको आयतल कुर्सी भी नज़र आ रही है, ये मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। ये थ्रेड वर्क हुआ हुआ है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, और बिल्कुल एन ये डीप फ्रीज़र के ऊपर है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये कॉर्नर्स पे रखी जा सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि किचन खुला खुला हो, और किचन छोटा भी अच्छे तरीके से उसको सेट किया हो तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।